हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। करीब 3-4 महीने बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ आज, और आज बारिश हो रही है और काम है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से बारिश के टाइम पे ऊपर आया था छत पे, तो ये नज़ारा दिखा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक तरह का गार्डनिंग ओवरव्यू है ये, और प्लांट इस टाइम बारिश में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं। ये मेरा एक एलामेंडा का प्लांट है जो अभी नर्सरी से ऑर्डर किया था मैंने, तो होम डिलीवरी हुई थी उसकी, आप देख सकते हो उस पर फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो प्लांट तो काफ़ी हेल्दी है ये, ठीक है। उसी तरह से आप ये एक बरगद का बोनसाई मेरा देखते हो, बनियन बोनसाई, जिसको अभी अंडर ट्रेनिंग है, लेके आया था जब से, मैं इस पर काम बहुत कम काम किया है, आने वाले दिनों में काम करूँगा और बस 1 या 2 हफ्ते में इस पर काम करूँगा। आप इस पर देख सकते हो न्यू ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है इस पर। देखिए जेड का बोनसाई, इस पर मैंने अभी कल ही काम किया है, सॉरी आप लोगों वीडियो शूट नहीं कर पाया। ये मेरे पास एक कैस्केड स्टाइल में पड़ा हुआ था जूनिपर, तो उसको मैंने ये शेप देके छोटे से बोनसाई पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। ये भी एक फाइकस का बोनसाई है, एक जेड का बोनसाई, ये देखिए एक जेड का बोनसाई ये तैयार हो रहा है, ये जंगल जलेबी का बोनसाई अंडर ट्रेनिंग, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। देखिए बोगनविलिया का नया कलर ऐड किया है मैंने, ऑरेंज कलर, बड़े पॉट में ट्रेनिंग के लिए लगा रखा है। ट्रेनिंग का बोनसाई नहीं बनाऊंगा इसका, जस्ट इसका एक बुशी प्लांट बनाऊंगा और उससे फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा लेने की, ठीक है। आप ये देखिए बारबाडोस चेरी, इसकी वीडियो शूट हो रही है, 2 पार्ट में वीडियो शूट हो चुकी है इसकी, और अभी रिपोर्टिंग दैन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, पूरी लगभग 8 या 9 महीने की वीडियो एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी 15 मिनट के उसमें। ये फाइकस बेंजामिन बोनसाई, नीचे आप देख सकते हो ये रखा हुआ है मेरा अमेरिकन बॉक्सवुड। ये बिल्कुल ही इस पर डिसीज आ गया था, सारी इसकी पत्तियां रिमूव करके इस पर फिर से मेडिसिन डाल के इसको रिपोर्ट किया है, देन अब जाके इसमें ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये जैस्मिन का पौधा है, देखिए इसमें फ्लावरिंग अच्छी चल रही है। देखिए बोगनवेलिया, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का ये सोच रहा हूँ, एक ये कलर है मेरे पास बोगनवेलिया, एक वो अलग कलर है, दोनों अलग कलर हैं। अभी फ़ोन में मे भी आप लोगों को अलग नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक, ये बहुत डार्क है कलर। आम के पेड़ पे जो आम का बोनसाई है उस पर डिसीज आ गया था बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल ही बैक साइड से ये ख़त्म सा हो चुका था, आप देख सकते हो पत्तियाँ गायब हो गई हैं सब। तो इसका ट्रीटमेंट करने के बाद अब जाके थोड़े से, और इसका पॉट भी चेंज कर दिया मैंने, 17 इंच के पॉट में लगा दिया, पहले ये लगभग 12 इंच के पॉट में लगा था, अब 17 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और इसकी ग्रोथ अब अच्छी शुरू हो चुकी है। देखिए बोगनवेलिया दोस्तों, काफ़ी अभी बारिश क्या है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे में चिपक से गए हैं, और ये इस सीज़न में 3री बारिश में फ्लावरिंग हुई है। बाकी सारे के सारे जो प्लांट्स हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। एक ये इमली का जो सीड से ग्रो किया था मैंने, अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों, इस पर भी वीडियो आप लोगों को अगर देखनी होगी तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूँगा। एक ये जेड का प्लांट है, इस पर अभी शेप सोचा नहीं है, जस्ट अभी इसको ग्रो होने देता हूँ कि ये किस शेप में इसको डेवलप करूँगा। लेमन प्लांट है जिस पे बहुत ज़्यादा लेमन आए हुए हैं। आप लगभग 70% लेमन जो है मैंने वो तोड़ के, देखो कुछ यहाँ पे भी गिरे हुए हैं, वो तोड़ दिए हैं मैंने, और
क्योंकि एक साथ अगर 8-9 लेमन लगे हुए हैं तो किसी की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो एक जगह पे एक ही लेमन को छोड़ा है मैंने ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ये टॉर्च बोगनविलिया कहते हैं इसको, इसकी भी ग्रोथ क्या है कि छोटे से एक ये पॉट में लगा हुआ है, ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसको न्यूट्रिशंस जब देता हूँ तो मिट्टी कम है इसमें और ये सारी ग्रीनरी अपनी बढ़ा देता है। अपने मैंने जस्ट अभी ऑर्डर किया है ऑनलाइन इसके लिए फॉस्फेट फॉस्फेट और पोटेशियम। नाइट्रोजन जब मिलता है ना दोस्तों प्लांट्स को तो वो ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ती है, नाइट्रोजन कम करके फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ज़्यादा देना है। रोज़ प्लांट है जो गर्मी काफ़ी थी तो इस वजह से फ्लावरिंग काफ़ी कम हो गई थी, साइज़ छोटा हो गया था फ्लावरिंग का। देखिए चीकू का प्लांट है, बोनसाई बनाना सोच रहा था बट इसको एक ऐसी शेप दे के छोड़ दूंगा ताकि ये अच्छा सा लगे। ठीक, और कुछ मेरे जेड के बोनसाई एक बकेट में ये लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बोनसाई मटेरियल इसके अंदर है लेकिन काम करने की फुर्सत अभी नहीं है मेरे पास, कुछ हेल्थ इशू भी आ गया था बीच में, ये धूप से ख़राब हो गया। इस बार मैं ग्रीन नेट भी नहीं लगा पाया, पूरा ओपन एरिया है। ठीक है, तो इस कैस्केड बोनसाई जेड का इधर है और जो लुका है ये भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। ये देखिए आप गेस करिए कौन सा प्लांट है, 99% बता देंगे कि ये कौन सा प्लांट है। खैर मैं भी बता देता हूँ, ये कामिनी का प्लांट है और एक मेरा अभी ये बोगनविलिया है जिसको मैंने सॉरी एडेनियम, इसको मैंने जस्ट अभी अंदर किया है क्योंकि बारिश सुबह से हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि जो शेप दे रखी है इतनी प्यारी सी मैंने ये डैमेज हो जाए। इसमें एक जो जो सी पॉड आप देख रहे हो वो सीड पॉड, ये लगभग 7 से 8 थे, मैंने सिर्फ एक छोड़ रखा है, बाकी सारे तोड़ के फेंक दिए क्योंकि प्लांट इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये ओवरव्यू कैसा लगा मेरे, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो दिखाने रह गए हैं, आप लोग इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरह से ओवरव्यू, तो आप कमेंट करके बताइए या कि आपको कैसा लग रहा है। इस टाइम बारिश में प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और खुश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, क्योंकि तो वीडियोस तो बहुत सारी हैं जो अंडर टेन ये जैसे बारबाडोस चेरी की है और वो उस नीम की है, बोगनवेलिया की है, मैंगो की है, सारी वीडियोस है विद अपडेट आने वाली है आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। नमस्कार।